डिफॉल्ट मेथड इन इंटरफेस। डिफॉल्ट जनरली एक कीवर्ड होता है जिसको हम लोग एक्सेस मॉडिफायर जैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन हैव मेथड बॉडी इन इंटरफेस बट वी नीड टू मेक इट डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। जो मेथड बॉडी होता है, ठीक है, उसको हम लोग डिफॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है, किसमें, इंटरफेस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस एग्जांपल से हम लोग कैसे उसको बना सकते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले एक इंटरफेस ले लिए ड्रॉएबल, और एक हमने void draw नाम से एक मेथड डिक्लेयर कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक डिफॉल्ट void मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन डिफॉल्ट मेथड हमने यहाँ पे प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो ये डिफॉल्ट void मैसेज जो है ये मेथड ड्रॉएबल के अंदर में, ठीक है, इंटरफेस के अंदर में हमने इम्प्लीमेंट मतलब इसका बॉडी के साथ में दिया, ठीक है। तो अगर हम लोग को बॉडी देना है किसी भी मेथड का, तो हम लोग को उसको डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा। अदरवाइज अगर हम लोग बॉडीज में देना चाहते हैं, अगर हम लोग डिफॉल्ट नहीं लिखे हैं, तो ये कंपाइल टाइम एरर शो करेगा, ठीक है। क्योंकि इंटरफेस में हमेशा क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होने चाहिए, मीन्स उसमें सिर्फ और सिर्फ उसका डिक्लेरेशन पार्ट ही होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें बॉडी भी बनाना है उसका, तो साथ में उसको डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक क्लास ले लेते हैं हम लोग, क्लास रेक्टेंगल इम्प्लीमेंट्स ड्रॉएबल। यहाँ पे एक पब्लिक वॉइड ड्रॉ हमने इस इंटरफेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, और यहाँ पे जो मेथड हमने डिक्लेयर किया है उस मेथड को यहाँ पे हमने क्या किया, ओवरराइड कर लिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और ड्रॉइंग रेक्टेंगल यहाँ पे हमने प्रिंट कर लिया है। देन उसके बाद एक क्लास लिए हम लोग टेस्ट इंटरफेस डिफॉल्ट, यहाँ मेन मेथड के अंदर में हमने ड्रॉएबल डी इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल करके ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल का बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रॉएबल का रेफरेंस यूज किया है और हमने रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया है। देन उसके बाद डी डॉट ड्रॉ को कॉल किए, मीन्स ये वाला जो ओवरराइड किया हुआ है, देन उसके बाद डी डॉट मैसेज। डी डॉट मैसेज हम लोग इस इंटरफेस के अंदर में यहाँ पे बनाए हैं, तो इसीलिए हम लोग को यहाँ पे रेफरेंस का यूज करना पड़ेगा, ड्रॉएबल का यूज करना पड़ेगा। वैसे अगर नहीं भी अगर यूज करते हैं हम लोग ड्रॉएबल का रेफरेंस, लेकिन हम लोग डायरेक्ट इसका अगर बना देते हैं रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट, ठीक है, रेफरेंस भी हम लोग रेक्टेंगल का बनाते हैं, ऑब्जेक्ट भी हम लोग रेक्टेंगल का बनाते हैं, तो भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि ये इंटरफेस जो है वो इम्प्लीमेंट हो चुका है ड्रॉएबल के अंदर में, सॉरी रेक्टेंगल के अंदर में इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो ये मैसेज मेथड जो है और ड्रॉ मेथड दोनों के दोनों इसमें अवेलेबल हो, तो हम लोग को आउटपुट कुछ इस प्रकार का देखने के लिए मिलेगा, ड्रॉइंग रेक्टेंगल डिफॉल्ट मेथड, ठीक है। पहले ड्रॉ को कॉल किया गया, फिर उसके बाद मैसेज को कॉल किया गया, ठीक है। तो इस प्रकार का हम लोग को आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। जावा एट स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस। सिंस जावा एट वी कैन हैव स्टैटिक मेथड इन इंटरफेस, ठीक है। जावा एट के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टैटिक मेथड भी बना सकते हैं इंटरफेस के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे मैंने बनाया इंटरफेस ड्रॉएबल, फिर उसके बाद क्या किया, वॉइड ड्रॉ हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर लिया। जरा उसके बाद यहाँ स्टैटिक इंट क्यूब हमने लिया, और यहाँ पे एक पैरामीटर हम ले रहे हैं इंट एक्स, यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, मीन्स क्यूब हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ पे। देन इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, एक क्लास ले लिए रेक्टेंगल, वहाँ पे हम लोग इस ड्रॉएबल को इम्प्लीमेंट कर लिए। देन उसके बाद यहाँ पे जो वॉइड ड्रॉ हमने यहाँ डिक्लेयर किया था उसको क्या किए, ओवरराइड कर लिए यहाँ पे पब्लिक वॉइड ड्रॉ, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट किए ड्रॉइंग रेक्टेंगल, ठीक है। देन उसके बाद क्लास टेस्ट इंटरफेस स्टैटिक एक क्लास लिए जिसमें हम लोग ने मेन मेथड बनाया। देन उसके बाद सबसे पहले ड्रॉएबल डी इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ठीक है, रेफरेंस हम लोग यहाँ ड्रॉएबल का यूज कर रहे हैं, और हम लोग ऑब्जेक्ट किसका बना रहे हैं, रेक्टेंगल का बना रहे हैं। देन इसके बाद हमने डी डॉट ड्रॉ इस टाइप से कॉल किया जो हमने यहाँ पे ओवरराइड किया था,
फिर उसके बाद हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ड्रॉएबल डॉट क्यूब ऑफ थ्री, थ्री यहाँ पे हमने पास किया एज अ पैरामीटर, थ्री यहाँ पे एक्सेप्ट होगा और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हो जाएगी थ्री, तो थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री 27 हम लोग को मिल जाएगा, और ये रिटर्न कर दिया। रिटर्न करेगा तो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और यहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो स्टैटिक मेंबर होते हैं, जितने भी स्टैटिक मेंबर होते हैं उसको क्लास के रेफरेंस के थ्रू कॉल किया जाता है। ठीक है, क्लास नेम के थ्रू कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे क्लास तो बनाए नहीं है हम लोग, किसके अंदर बनाए हैं, इंटरफेस के अंदर बनाए। तो हम लोग इंटरफेस के नेम से उसको एक्सेस करेंगे, उससे रेफरेंस ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई भी मतलब नहीं होता, वो क्लास लेवल पे होता है। जितने भी स्टैटिक हम लोग मेंबर्स बनाते हैं वो सारे के सारे क्लास लेवल पे होते हैं। तो हम लोग क्लास नेम से या इंटरफेस नेम से हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग एक इंटरफेस के अंदर में स्टैटिक मेथड बना सकते हैं। ठीक है, जो इंटरफेस यहाँ ए हमने बनाया है उसमें जो भी वेरिएबल होगा वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होगा, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन पार्ट होगा। ठीक है, अगर हम कोई भी यहाँ वेरिएबल बनाते हैं उसमें वैल्यू हम लोग इनिशलाइज कर देते हैं, उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, कहीं पे भी हम लोग इसका इम्प्लीमेंट कर लें। ठीक है, अगर हम यहाँ पे कोई भी मेथड डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो हमेशा पब्लिक होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, क्लियर। तो इस इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें होती है, एक वेरिएबल होता है और मेथड होता है, दोनों का सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन होगा, कोई भी डेफिनेशन यूज नहीं करते हैं हम लोग। इसका डेफिनेशन हम लोग कहाँ पे देते हैं, जहाँ पे भी क्लास, जिस भी क्लास में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, इम्प्लीमेंट्स ए। ठीक है, और कहाँ हम लोग इसका डेफिनेशन देंगे, इस क्लास में हम लोग डेफिनेशन देंगे। ठीक है, इस प्रकार से बस यही कॉन्सेप्ट है इंटरफेस का, यही कॉन्सेप्ट है इंटरफेस का, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग को यहाँ पे बॉडी देना है, ठीक है, अगर कोई भी मैं ऐसा मेथड बनाता हूँ जिसका मुझे बॉडी देना है, तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, या तो उसको डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है, या तो उसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, दोनों में से कोई एक हम लोग बना सकते हैं, या तो हम लोग डिफॉल्ट बना लें या तो हम लोग स्टैटिक बना लें। ठीक है, बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इंटरफेस का। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसा इनहेरिटेंस यूज होता था वैसा ही है। ठीक है, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड्स, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस और इंटरफेस तीनों रिलेटेड है। ठीक है, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है बस।